गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए फाइट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इशूज़ हैं वो फैमिली इशूज़ ही रहेंगे और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अपने फैमिली मेम्बर्स से आपके लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या क्या करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो वो आप सिलेक्ट कर लियो। अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप तीनों ही पैक्स देख लिया करो। ठीक है ना, और अगर बाय चांस तीनों ही रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप दूसरा वीडियो देख लें। ओके, बिल्कुल भी परेशान या उदास नहीं होना है। सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है राइट, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम पाइल 1 से शुरू करेंगे। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, यानी कि ये वाला कार्ड चूज़ किया था, कार्ड 1 5 ऑफ सोर्ड्स, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे या नहीं करेंगे अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से, या फिर वो क्या करना चाहेंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम। मैं निकालूंगी यहाँ पर सबसे पहले टैरट कार्ड्स और उसके बाद उनकी तरफ से जो मैसेजेस होंगे वो भी देखेंगे हम। सन आया है आपके लिए। ओके, तो सारे कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर है आपके लिए हेरोफेंट, वेरी नाइस, और है आपके लिए एस ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 वॉन्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर आपको बताऊंगी। केयरिंग कनेक्शन, वॉकिंग अवे, कॉर्नोकॉपिया एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा हो काफी सारे कार्ड्स हो गए हैं ना आज। चलिए
तो हमारा क्वेश्चन था कि आपका जो पार्टनर है आपके लिए फाइट करेगा या नहीं। तो आपका आंसर है यस। ठीक है ना, फाइट तो करेगा भाई, लेकिन ये फाइट ऐसी फाइट नहीं है जैसे मैं इसे फाइट नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी कि वो सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ दें, और ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को आपके लिए छोड़ दें। ठीक है, ये वो नहीं करने वाले हैं। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी माँ हो सकती हैं। मुझे फैमिली मेम्बर्स में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना, फैमिली में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मैं कह रही हूँ फैमिली मेम्बर्स में नहीं, फैमिली में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इनके पिताजी हो सकते हैं, इनकी माताजी हो सकती हैं, इनके भाई बहन सभी लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये कि इश्यूज़ जो हैं इनकी मदर की वजह से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, सभी लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मदर की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, वो शायद ये नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का कनेक्शन रहे। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है इनकी मदर जो है काफ़ी डोमिनेटिंग है, उन्हीं की घर में सुनी जाती हो। ठीक है ना, वो ही घर के सारे फैसले लेती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमेशा इन्होंने भी जो भी फैसले लिए हैं अपनी लाइफ में वो उनसे पूछ पूछ कर ही लिए हैं। ठीक है ना, तो उनकी अलग ही एक जगह है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इनके फादर नहीं हों। ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है इनके फादर नहीं हैं और ये अपनी माँ के साथ रहते हैं, और इसलिए अपनी माँ की बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी ना लगे। काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, फैमिली की भी, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बहुत बर्डन सा फील करते हैं ये। अपनी लाइफ से भी मैं देख पा रही हूँ कि उतना खुश नहीं है, और जहाँ तक जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो ये कि शायद इनको, इनके साथ पहले ब्रेकअप वगैरह भी हो चुका हो, जिनके बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, जिनके लिए हो सकता है इनका ऐसा हुआ हो, ब्रेकअप वगैरह हुआ हो इनके साथ, तो उसके भी वजह से ये काफ़ी परेशान रहते हैं। और रिलेशनशिप को लेकर मैं देख पा रही हूँ बहुत तो खुश नहीं रहते। ठीक है, हालांकि चाहते तो हैं ये शादी करना, घर बसाना, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी मन ऐसा उदास सा रहता है शादी वगैरह को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी एनर्जी मुझे इनकी तरफ से नहीं लग रही जैसे बहुत खुश हों शादी को, कमिटमेंट को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ इनके दिमाग में रहती है कि हाँ, अगर फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं तो वो सही है, वो कर लेना चाहिए, और अगर इनकी माँ इनसे कहती होंगी कि भाई मैंने ये लड़की देखी है या ये फैमिली अच्छी है, तो ये भी एक पल को ऐसा सोचते होंगे कि हाँ ठीक है, कर लेते हैं शादी। लेकिन उसके बाद भी ये वहाँ शादी नहीं कर पाएंगे जहाँ इनकी माँ चाहती हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तरीके का कनेक्शन इन्हें आपके साथ लगता है। अब हो सकता है आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे सोलमेट का लग रहा है यहाँ पर, सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। एक तरीके का कनेक्शन इन्हें आपके साथ लगता है। ठीक है, इनको खुद भी नहीं पता कि ये क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, इनको खुद भी नहीं पता कि क्या है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से आपके प्यार में इतने ज़्यादा पागल हैं कि ये बिल्कुल अपनी फैमिली से लड़ बैठेंगे, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जिस तरीके का कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं ना, उसकी वजह से कहीं और भी शादी नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे नहीं, ये अपनी माँ को या जो भी हो, इनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, ठीक है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। इनकी कोशिश ये रहेगी कि ना ये आपको छोड़ें और ना ही अपनी फैमिली को छोड़ें, और ये चीज़ अभी इनको महसूस नहीं हो रही, ये चीज़ इनको महसूस होगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी के लिए मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि इनको ज़्यादा कुछ
इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। अगर शादी ब्याह की कोई बात होती है ना तो ये बड़ा लाइटली लेते हैं, उस पर ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, ठीक है ना, ये उतना नहीं सोचते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, इनको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में क्या है, ठीक है ना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर झगड़ा हुआ हो इसी बात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या जो भी है शादी वगैरह को लेकर झगड़ा हुआ हो, और आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप किया हो या एक दूसरे को ब्लॉक किया हो या आप वॉक अवे कर गए हो इसी सब की वजह से कि आप इनको शादी के लिए बोलते रहे या आप ये कहते रहे कि भाई आप मुझे बता दो आपका डिसीज़न क्या है, आप अपनी फैमिली की सुनोगे या मेरी सुनोगे या क्या करना है। तो हो सकता है आपने वॉक अवे किया हो, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो या फिर उन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया हो, क्योंकि मैंने कहा ना ये इतना सीरियस ले ही नहीं रहे उन चीज़ों को, शादी ब्याह और सब कुछ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने शादी का कहा हो तो इन्होंने कह दिया हो कि नहीं मैं तो अपनी फैमिली की ही सुनूंगा, मैं वहीं शादी करूंगा या करूंगी जहां मेरी फैमिली चाहेगी, ठीक है ना। जबकि ये आपसे प्यार करते हैं उसके बाद भी, जबकि आपसे प्यार करते हैं उसके बाद भी, लेकिन अभी इनको उतना एहसास नहीं है, ठीक है ना। देखो प्यार होना अलग होता है और इन चीज़ों का एहसास होना कि हम इनके बगैर रह पाएंगे ये या नहीं, ये चीज़ अलग होती है, ठीक है ना। कुछ लोगों को पहले से ही समझ आ जाता है और कुछ लोगों को बाद में आता है। कुछ लोगों को तो इतना लेट आता है कि उनकी तो शादी हो ही जाती है तब वो समझ पाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ये अभी अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, और अगर ये बिजनेस या जॉब नहीं करते हैं तो अगर ये पढ़ते हैं अभी सिर्फ, मतलब कंप्लीट करने वाले हों ग्रेजुएशन वगैरह, शादी की तो बात तभी होती है, तो उस बारे में ये सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा। और शादी ब्याह का अगर कोई मामला आता है ना तो ये उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, भले ही आपके साथ में कमिटमेंट में रहे हों तब भी शादी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते हैं, ठीक है, कि शादी होती है इसी, जिससे प्यार किया उसी से होती है, उसी से होनी चाहिए, ये सोचते हैं कि किसी तरीके का झंझट नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे से चीज़ें हो जाएं। अगर फैमिली मान रही है हम दोनों की शादी का तो ठीक है, नहीं मान रही है तो जहाँ कहेंगे वहाँ कर लेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो कि ये कार्ड बता रहा है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप इनसे वॉक अवे कर गए हो तो इनको अब रियलाइज़ होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, ठीक है ना, इनको रियलाइज़ होना शुरू होगा। और अगर आपने वॉक अवे नहीं किया है इनसे तो आप करोगे, ठीक है ना, करोगे, परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी आप करोगे ये काम, इनको छोड़कर जाओगे, इन्हें ब्लॉक करोगे या कुछ भी करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से बाद में इनको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी कि अरे ये तो क्या हो गया, ठीक है ना। और अगर आप लोग वॉक अवे कर गए हो, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो वॉक अवे कर गए हैं, एक तरीके से थक चुके हैं ये बोझ अपने सिर पर लेते लेते कि कब शादी होगी, होगी या नहीं होगी, आप मुझे हाँ बोलोगे कि फैमिली को हाँ बोलोगे कि क्या है, क्या करना क्या है, ठीक है ना। तो उनका मुझे लग रहा है कि वो वॉक अवे कर गए हैं, वॉक अवे कर गए हैं मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी उनको दिखाया है कि आप वॉक अवे कर गए हो, क्योंकि अगर आप चले जाते, अगर आप उन्हें भूल ही जाते तो आप वीडियो देखते ही नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको मन में ये चीज़ है कि हाँ ये वापस आएंगे, वापस आ जाएंगे, तो इस तरीके से अगर करूँगी या करूँगा तो आ जाएंगे, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर है वॉकिंग अवे ये कार्ड है, एंड यहाँ पर देखिए 9 नंबर आता है तो ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। और यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे नंबर्स तो यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 10, यानी कि जब आप वॉक अवे करोगे तो उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, और तब इनको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। ये प्यार करते हैं लेकिन उतनी गहराई से समझते नहीं हैं चीज़ों को, ठीक है ना। उसके बाद अवेयरनेस आएगी आपकी लाइफ में, ये होने के बाद में। तो अगर अभी आप वॉक अवे कर गए हो तो बहुत अच्छी बात है, कर जाना चाहिए, इनको अब रियलाइज़ होगा। अगर नहीं किया है तो करोगे, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये चल रहा है, यहाँ पर है 5, ठीक है, 5 होता है नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ से होती है शुरुआत, फिर आता है 9, उसके बाद आता है 10 और फिर देखिए यहाँ पर है 11,
ठीक है ना, कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा है, आप खुद देखिए। सो जरूरी है यहाँ पर, मैं और भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर है 9, ठीक है ना, क्योंकि जब आप वॉक अवे करोगे तो आप परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे। हो सकता है आपको 99 दिखता भी हो, 55 99, हो सकता है ये नंबर्स आपको दिखते हो, क्योंकि ये सब कुछ यूनिवर्स ने पहले से ही लिख रखा है। आप वॉक अवे करोगे, आप भी परेशान होगी, सीधी सी बात है। वॉक अवे करना मतलब क्या होता है? बातचीत बिल्कुल बंद कर देना, ब्लॉक कर देना। कुछ लोग ब्लॉक नहीं करते हैं तो बातचीत नहीं करते हैं, तो वो उस चीज़ से परेशानी तो होती है, दिक्कत तो होती है, इनको भी होगी आपको भी होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ 11 है और यहाँ पर भी 11 होगा, ठीक है ना। तो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि जब आप वॉक अवे करोगे, द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि आपको एक्सप्लोर करना है, आपको खुद पर फोकस करना है, आपको नई नई चीज़ें देखनी है, नई नई चीज़ें करनी है, ठीक है ना, कुछ सीखना है, सिखाना है, कुछ नया करना है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी अपने शौक है वो पूरे करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपना कैरियर बनाओ, सब कुछ करो, वॉक अवे कर जाओ आप इनसे, ठीक है, बिल्कुल इनको हटा दो, लेट गो कर हम कह सकते हैं कि लेट गो कर दिया, ठीक है ना। ये करने के बाद धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जगह पर आ जाएंगी। इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, और ऐसा होने के बाद में अभी ये जो खुद को बड़ा गार्ड करके रखते हैं ना, ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाएंगी। ये आपके पास आएंगे और अपनी फैमिली को मना कर आएंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये लड़ने लग जाएंगे, ये चीज़ तो मैं नहीं कह रही हूँ, फाइट करेंगे, लेकिन हाँ ये इस तरीके के काम करने लग जाएंगे कि भाई अगर मुझे उससे शादी नहीं करनी है तो फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को, और जिस दिन इनकी फैमिली मान गई उसी दिन आप दोनों की शादी हो जाएगी। जिसका जी ये कार्ड मैंने देखा था कि आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर सन का कार्ड आया था और इसीलिए मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे कुछ, अगर मैं ना भी कहूँ तब भी आप जानते हो कि सन का कार्ड क्या है, ठीक है ना। जहाँ पर सन होता है वहाँ पर, जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर अंधेरे अंधेरे का कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि ये बंदा काफ़ी मैच्योर है, स्टेबल है, मतलब कि इनको लड़ाई झगड़ा करना और ये सब करना पसंद नहीं है, ठीक है ना, ये बात करना पसंद करते हैं, चीज़ों को सुलझाना, ठीक है। तो ये चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये अपनी बात रखेंगे घर वालों के सामने, अपनी माँ के सामने अपनी बात रखेंगे कि भाई आप मुझे बताइए, जहाँ पर आप शादी करने के लिए कह रहे हो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, ऐसे फायदे और नुकसान हैं, जहाँ पर मैं शादी करने के लिए कह रहा हूँ वहाँ पर ये फायदे और नुकसान हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही पक्ष उनके सामने रखेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि भाई अब आप मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, पूरी कोशिश अपनी लगा देंगे। ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से मन मुटाव भी हो, या देखिए क्या होता है ना, जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसके बाद जब हम वापस मिल जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन एक दरार पड़ जाती है ना, ये वो नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि दिलों में दरार पड़े, ये चाहते हैं काम हो, अच्छे से हो जाए, लड़ना झगड़ना ना पड़े। इस वजह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों की बातचीत भी ज़्यादा ना होती हो, क्योंकि जब आप इनको मैसेज करते हो तो ये मैसेज का रिप्लाई ना करते हो, ये हो सकता है आपको खुलकर बताते ना हो, क्योंकि इनको अभी खुद नहीं पता है, ठीक है ना, इनको अभी खुद भी नहीं पता, इनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ अभी तक, लेकिन होगा, और जब इनको रियलाइज़ होगा तभी आपके पास आएंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करेंगे, आपको खुलकर बताएंगे भी, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप मैनिफेस्टेशन करते रहें। मैं फिर से कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन करना बंद ना करें। यहाँ पर सन का कार्ड है, वो मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात करता है। इफ़ यू वॉन्ट अबंडेंस इन योर लाइफ तो ये करना बंद ना करें, ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन करते रहो। भाई मैं सबको बोलती हूँ, पॉजिटिव रहो, अपनी एनर्जी को लो मत होने दो, क्योंकि लो होने दोगे तो फिर चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी, सीधी जा रही होंगी वो वापस से उल्टी हो जाएंगी, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है यहाँ तक पहुँचे फिर वही काम, है ना। देखिए ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है, आपको देखता भी है ऐसा कि आप उसको उनको परफेक्ट लगते हो, कि अगर वो सोचे शादी को लेकर तो आप ही उनके ख्याल में आते हो, लेकिन उसके बाद भी
जो इनका मेन इशू है वो ये कि ये अपने घर वालों को भी हर्ट नहीं करना चाहते, बहुत प्यार करते हैं, अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो ये चाहते हैं चीज़ें सुलझ जाएं। अब जबकि इन्हें ये लगे, अगर अभी इन्हें लग रहा है कि लगता है कि सुलझेगा नहीं, तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार है। ठीक है, प्यार का मतलब ये थोड़ी है, होता है कि उसी से शादी करो जिससे प्यार है, ठीक है ना, ऐसी सोच है इनकी। लेकिन वो आगे चल के पता चलेगा, अब इनको एहसास नहीं है क्योंकि अभी तक आपने इनको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, आप हमेशा इनके साथ रहे, जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ी आप साथ रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो चीज़, वो कमी इन्हें महसूस होती ही नहीं है, ट्रिगर नहीं होते ये, वो चीज़ होनी ज़रूरी है इनके लिए। जिस दिन ये ऐसा हो गया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये है इनके साथ में। तो हाँ जी, मैं कहूँगी कि फाइट करेंगे या नहीं करेंगे, तो जवाब तो वही है कि हाँ करेंगे, फाइट नहीं लेकिन हाँ मनाएंगे, ठीक है ना, अपनी फैमिली को आपके लिए। और जब तक वो मान नहीं जाते फैमिली मेम्बर्स, तब तक ये शादी ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं भाई। देखिए बड़े ही ठीक से मैंने आपको कार्ड समझाए हैं एक एक करके। क्यों समझाए हैं, उसका रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपना एनर्जी जो है उसको लो करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर गलती कर दी तो सब बिगड़ जाएगा और बाद में तो फिर क्या है, कुछ नहीं रहता। मुझे लग रहा है कि आप लोग 9-9 बहुत ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि 9 और 10 मैं बार बार देख पा रही हूँ यहाँ पर, या 5 देख पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा देखते होंगे, या फिर 2 देखते होंगे, ठीक है ना। ये नंबर्स आपको दिखते होंगे यहाँ पर, मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव, ये है आपके लिए मैसेज, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आराम से पढ़ते रहो जब मन करे। और यहाँ पर है, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सींग यू स्माइल, ठीक है। और देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं हमेशा। आई फॉल इन लव, ओके। और है क्या है आपके लिए मैसेज, ये प्यार में है लेकिन अभी इनको पता नहीं है कि ये प्यार में है। मतलब ये प्यार को ऐसे समझते हैं कि ठीक है प्यार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शादी हो ही जाए, और भी सारी चीज़ें लाइफ में देखनी होती हैं। लेकिन अभी इनको बाद में समझ में आएगा कि अगर ये आपके साथ नहीं रहते हैं, आप कहीं और चले जाते हो, तो उसके बाद इनके साथ क्या होगा, तो अभी टाइम है इनको समझने में। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ, ठीक है ना। तो ये मैसेजेस हैं, ये देना चाहते हैं आपको, भले ही अभी ना दिए हों लेकिन देंगे भाई, ये कहेंगे आपसे, ठीक है ना। और भरोसा रखिएगा, मैं सभी से कहती हूँ कि भरोसा रखिए, विश्वास रखने से सब कुछ होता है, रोने से, तकलीफ में आने से, या फिर ऐसा सोच लेने से कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो नहीं मिलने वाला। अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और वो चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर और भी कार्ड्स देखेंगे, चलिए एक और देखते हैं। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू, सी मैंने कहा था ना, मैं अब भी कह रही थी कि आपको ही चूज़ करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इनके फैमिली मेम्बर्स परेशान हों, ये भी नहीं चाहते हैं ये, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये इस तरीके का इंसान है तो ये सभी को खुश रखेगा, है ना। एक समझदार इंसान है तो ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए, ऐसी ही वाइफ मिलनी चाहिए। You are honest with me, ठीक है। तो ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत ईमानदार हो, अगर आपने इनको बोला है कि आप इनसे प्यार करते हो तो मतलब आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे।
हो सकता है आपका पर्सन कोई एयर साइन हो मे बी, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए। देखते हैं क्या है मैसेज। रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, ठीक है ना, तो आप इनको बहुत सम्मान करते हो, जैसे भी हैं आप इनको रिस्पेक्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। और वही मैंने कहा ना कि इनको एक कनेक्शन लगता है आपके साथ, और ये नहीं जा पाएंगे, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। देरी हो सकती है, जो कि मुझे लग रही है कि आप दोनों की शादी में देरी हो सकती है, लेकिन शादी तो होगी। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, प्रिंसेस और प्रिंस, ठीक है ना, आप जैसे आपको रेजोनेट करें आप ले सकते हो। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और भी देख लेते हैं, मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, वो भी मैं देखूंगी आपके लिए। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। ओके, देखिए इतने सारे हैं, लेट्स सी क्या है यहाँ पर। ये भी थे, तो एक एक करके खोलते हैं। लिव विद मी फॉर एवर, सी मैंने कहा ना ये आपको हमेशा अपने साथ ही रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि ये चीज़ें इनके मन में हैं, दिल में हैं, अभी इनको पूरी तरीके से एहसास नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा, ये इनका दिल बोलता है। सॉन्ग्स भी होंगे कुछ इनके, ओ मेरे दिल के चैन सॉन्ग्स भी हैं यहाँ पर। तो देखिए और क्या कहना चाहते हैं, कॉल मी आई एम वेटिंग। तो वही मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग वॉक अवे कर गए हों, जो कि मैं अभी कह ही रही थी जब मैं रीडिंग कर रही थी शुरू में, मैंने कहा था कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो वॉक अवे कर गए हों, तो वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, उनसे बात करो, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। नवंबर एंड दिसंबर, तो हो सकता है दिसंबर में आप लोगों की मीटिंग हो जाए या बर्थडे हो, ठीक है ना। डू नॉट फॉरगेट मी, सी ये बार बार मैंने कहा, वॉक अवे का कार्ड आया था यहाँ पर, कि इनको लग रहा है कि हो सकता है आप इनको भूल गए हो, वो चीज़ इन्हें तकलीफ दे रही है, और यही यही ठीक है, इनको अभी समझ आएगा। यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, सी देखिए, ठीक है ना, यही तो मैं आपको बता रही थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये सॉन्ग हो सकता है आपको ये आपको आपके लिए गाती हूँ, क्या यही प्यार है, अब इनको आएगा समझ में देखिए मैसेजेस कैसे मिले हुए हैं। देखिए मैंने वही कहा था कि जब आप वॉक अवे कर जाओगे तब इनको समझ में आएगा, इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ यही प्यार है भाई, अभी पता चल रहा है। तू मेरी अधूरी, ठीक है, ये सॉन्ग है, आप काफ़ी सारे हो सकता है, इनको म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता हो या आपको काफ़ी अच्छा लगता हो। मैं अगर कहूँ, ये भी सॉन्ग है आपके लिए, सॉन्ग ज़्यादा आए हैं। अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप, मैंने कहा ना अचानक से इम्प्रूवमेंट होगा, और देखिए दिख भी रहा है यहाँ पर। आई लव यू सो मच, मैरिज मैंने कहा था ना मैरिज हो जाएगी। और यहाँ पर है फलक तक चल, देखिए बहुत सॉन्ग्स आ रहे हैं, हो सकता है म्यूज़िक आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ता हो, बोल दो ना ज़रा, ठीक है, ये सॉन्ग्स कितने सारे सॉन्ग्स ही आ गए हैं। तू जो ना मुझे मिला मुझे, ठीक है, ये सॉन्ग है आपके लिए। और यहाँ पर है आई एम हीलिंग प्लीज़ वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हील कर रहे हैं। माई पास्ट इज़ ट्रबलिंग मी, तो मैंने कहा ना हो सकता है इनके पास्ट में ऐसा हुआ हो, मैं जब रीडिंग कर रही थी तो मैंने कहा था कि कोई इनको छोड़कर गया हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, वो वजह भी हैं। इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर जाए किसी तरीके से। मैं यहाँ पर निकालती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आया है, ये है सी ओ, और यहाँ पर ज़ीरो है ये, एंड डी वी जेड। ये ज़ीरो देखकर मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनको या आपको लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिला या इनको कुछ नहीं मिला या कुछ राय ही नहीं है, ठीक है ना। तो मे बी ये इनिशियल्स हैं आपके, देख लीजिए आप लोग समझ लीजिए। ये तो देखिए यहाँ पर कोड वर्ड
ठीक है ना, होना चाहिए था यहाँ पर ई। खैर जो भी है, तो ये इनिशियल्स हैं आपके, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है, आपको गुड न्यूज़ भी दे दी है कि भाई शादी हो जाएगी आपकी। और अगर आपको ये पसंद आई है आपकी रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर रेजोनेट हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 2 द एम्परर, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए फाइट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए मैं कैमरा कर लेती हूँ थोड़ा सा ठीक, और अब हम देखेंगे हमारे टैरिट कार्ड्स। सबसे पहले थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ, उसके बाद है यहाँ द वर्ल्ड, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, आप दोनों की शादी होना, तो ये तो भगवान ने ही लिख दिया है, शादी होकर ही रहेगी। स्टार का कार्ड है, ये पर्सन आपके भाग्य में ही है। विक्ट्री रिवर्स, ओह सॉरी, डिसीट, ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, हॉस्टिलिटीज, गार्डन एंड द गेट। ओके, ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब इनके फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा, इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है, बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए
फाइट करना, बहुत बड़ा कदम उठाना एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो। लेकिन क्योंकि ये भाग्य में लिखे हैं भाई आपके, तो ये मिलेंगे तो हैं ही। फर्स्ट चक्र, ओके। कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, मैरिज का कार्ड है। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज किया है, अभी हाल फिलहाल के लिए जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये कि शायद आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी इस रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा हो कि ना मिले। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि शायद वो खुलकर आपको जवाब ना दे रहे हों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड है डिसीट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कहा हो कि ये शादी नहीं हो सकती, या वो आपको प्यार ही नहीं करते, उनकी लाइफ में कोई और है। ये भी हो सकता है कि कहा हो और आपसे कहा हो कि आप वापस लौट जाओ, कुछ नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना। हो सकता है ऐसे कहा हो। फैमिली को लेकर इन्होंने खुलकर शायद आपको ना बताया हो कि फैमिली मेम्बर्स आपको इस शादी के लिए मना कर रहे हैं। पहले तो शायद इन्होंने यही कहा होगा कि इनकी लाइफ में कोई और है और ऐसी बात है तो ये शादी नहीं कर सकते। बाद में फिर उन्होंने ये बात कही हो कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, वो नहीं मान रहे, ये इशू है। और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो गए होगे कि आखिर इशू है तो है क्या, कौन सा वाला है भाई, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी टाइम से चल रही हैं, हो सकता है एक साल हो गया हो, एक साल से भी ज़्यादा हो गया हो, इस कनेक्शन को लेकर अगर हम देखें, नहीं पहले मैं बात करती हूँ कि ये आपके लिए कैसे एनर्जी रखते हैं, ठीक है ना, कैसा फील करते हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो आपको लेकर तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये चाहते हैं आपके साथ में फैमिली बनाना, ठीक है, ये चाहते हैं। आपके अलावा इनको और कोई अच्छा भी नहीं लगता, कहें ये कुछ भी, दिखाएं ये कुछ भी, भले ही आपसे ये बात ना करें खुलकर, और आपको ऐसा फील करवाएं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता आप हैं या नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये चाहते हैं आपके साथ रहना, ठीक है। अब दिखावे में और करनी और कतनी में फ़र्क है। यहाँ पर आपको हो सकता है ये ऐसे भी कहते हो कि चले जाओ यहाँ से या चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहो या नहीं रहो। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ तक इस तरीके की भी बातें कही गई होंगी, जो जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ होगा। कहा गया होगा कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम रहो भी या नहीं रहो, ठीक है ना, इस तरीके की बातें भी कही गई होंगी। सबके लिए नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जिसके लिए मैसेज मिल रहा है मैं उनको दे रही हूँ। जब भी आपने बात करी तो आपसे इस तरीके से ही बात करी कि आपको ये लगा कि ये असम्मान करते हैं, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं है दिल में, ठीक है ना, इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया होगा इन्होंने। कुछ लोगों को ये कहा होगा कि भाई मैं किसी और से प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप लोग लिव इन में रहते रहे हों, ठीक है ना। उस वक्त इन्होंने इस तरीके से कहा हो आपसे शुरुआती दिनों में कि शादी तो होगी ही हमारी, तो ऐसा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, रह लेते हैं लिव इन में, और फिर तो आगे भविष्य तो यही है कि साथ साथ ही होंगे हम दोनों, शादी करेंगे, और बाद में शायद इन्होंने आपको ना बोला, ठीक है ना। यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है ना, इतनी पावरफुल है कि जब भी ये सोचते हैं एक्शन लेने का तो ये डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अंदर ही अंदर। हालांकि ये तो मैं देख पा रही हूँ कि ये कोई बहुत सीधे साधे नहीं है, सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर इतने कोई सीधे साधे नहीं है ये, काफ़ी तेज़ है लड़ने भिड़ने में। लेकिन फैमिली मेम्बर्स, फिर वही बात है ना, जिस फैमिली से हैं तो फिर वो फैमिली क्या कम होगी, ठीक है। तो हाल फिलहाल अगर देखा जाए, ये अपनी फैमिली के साथ वैसे खुश हैं, मतलब कि इंजॉय करते हैं, कुछ खास तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही। इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मतभेद है, जब भी ये बात करते हैं तो इनकी नहीं सुनी जाती, ठीक है ना। और
जब भी आप बात करते होंगे तो शायद आपसे ये बदतमीजी से बात करते हो या फिर इस तरीके से बात करते हो कि कुछ नहीं रखा, आप रिलेशनशिप था वो था, ख़त्म हो गया, आप कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मन में इनके क्या है, मन में इनके ये है कि ये चाहते हैं फैमिली आपके साथ बनाना, स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन जो एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि फैमिली इनकी काफ़ी पावरफुल है और इनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, अगर ये आपसे शादी करेंगे तो एक कंडीशन पर करेंगे, जबकि इनका अपना बिजनेस या जॉब बहुत ही अच्छे से चलने लग जाए, ये कुछ बहुत ही अच्छा इन्हें पोजीशन मिल जाए, उसके बाद ही आपसे शादी करेंगे और ये आपको कहीं लेकर ही चले जाएंगे, ये फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है उनके साथ ये है, ये बंदा तभी शादी करेगा जबकि ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। ये देखो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, इनको चाहिए एक अच्छा जॉब या बिजनेस, कुछ भी चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो कार्ड है और ये कार्ड है, ये सब ये तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि ये बंदा चाहता है कि जब ये काबिल हो जाए, कुछ बन जाए, बन जाने के बाद में इनका अपना खुद का घर हो, बिल्कुल भी आत्मनिर्भर हो, ये किसी पर भी निर्भर ना रहें, उस वक्त ही आपसे शादी करके ये आपको कहीं और ही लेकर चले जाएंगे, ठीक है, किसी दूसरी सिटी में या हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में, जहाँ पर ऐसे कोई लोग इनको मिले ही नहीं जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई टीका टिप्पणी करें या कुछ भी हो, ठीक है। बार बार मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप रहते ही हो दूर दूर, ये किसी और कंट्री में हो, आप किसी और कंट्री में हो, लेकिन जिस कंट्री में ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या कहीं से भी कोई भी कनेक्शन है ना, ये कुल मिला के इनका सोचना ये है कि जब ये इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे उस वक्त ये शादी आपसे करेंगे और आपको लेकर ही चले जाएंगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ इनसे नहीं होती है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ इनसे नहीं होती है, अगर ये इतने स्टेबल नहीं हो पाते, इनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता या इनका खुद का घर नहीं हो पाता है, ठीक है, या ये इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि आपको अपने साथ रख लें, क्योंकि शादी एक बड़ी चीज़ है, किसी को अपने साथ रखना, उसका सब कुछ देखभाल करना, फिर भाई किड्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो अगर इनको ऐसा लगा कि ये वो नहीं कर पाएंगे तो फिर ये स्टेप्स ही नहीं लेंगे, ना आपकी तरफ और ना अपनी फैमिली की ही सुनेंगे। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, तो फाइट के लिए तो मैं यही कहूँगी, फाइट ये यही करेंगे फाइनली, लड़ना भिड़ना कुछ नहीं है, ये इनका सोचना यही है। मुझे ऐसे लग रहा है लगातार ही अपने बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर लगातार सोचते रहते होंगे, जब भी आप अगर बात भी करते होंगे तो ये कह भी देते होंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि ये कहते होंगे कि पहले मैं अपना कुछ मैं कुछ बन जाऊँ उसके बाद फिर मैं सोचूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप मेल हो तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो ऐसा सोचती हैं कि ठीक है कुछ जॉब वगैरह मेरा लग जाता है, फिर शादी कर लेंगे, फिर कनेक्शन ही ख़त्म कर देंगे घर से, क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, उनका सोचना ये है। ये देखिए विक्ट्री का जो कार्ड है ये ऐसे आया है, रिवर्स आया है, तो इनको ऐसे लगता है कि घर वाले तो नहीं मानेंगे, डिसीज़न ही लेना पड़ेगा, साथ रहना है या फिर बिल्कुल छोड़ देना है। और अगर आप फीमेल हो तो मैं बता दूं कि ये इनका यही रहेगा, क्योंकि शादी तो होनी है, यहाँ पर स्टार कार्ड आया है तो शादी तो होनी है, तो शादी इस तरीके से होगी, ये फैमिली ही छोड़ देंगे, ये किसी दूसरी सिटी में जा सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में आपको लेकर जा सकते हैं, लेकिन जबकि इनको ये लगेगा कि ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गए हैं और इन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उस वक्त ये करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं भाई, आई नो अच्छा नहीं लगता है सुन के, लेकिन अब मुझे जो एनर्जी मिल रही है तो मैं तो वही आपको बताऊंगी ना जो सच है। ये ऐसे ही हैं क्योंकि इनको बहस करना पसंद नहीं, और ये ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। या तो इनकी ज़िद पूरी करो या फिर तो ऐसे चुपचाप होके बिल्कुल बैठ जाएंगे कि ठीक है मुझे करना ही नहीं है, करो तो मेरे मन की कर दो वरना रहने दो। और लड़ ये सकते नहीं हैं, ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि जितने पावरफुल ये हैं, जितने ज़िद्दी ये हैं, वैसे इनके फैमिली है, तो इनके लिए मुश्किल है लड़ना, और ये चीज़ ये जानते हैं, ये बात ये जानते हैं, तो लड़ेंगे तो ये नहीं, ये फैसला ही ले लेंगे। लेकिन हाँ, अगर इनकी जॉब नहीं लगती है, इनका बिजनेस नहीं होता है, मुश्किल ही है कि शादी ये आपसे करें,
तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि इनका काम जम जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर है आपके लिए कार्ड, आई एम इन लव विद यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स, ठीक है ना। तो इनको आपसे प्यार है, आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा प्यार। और देख लेते हैं क्या है मैसेज। लव इज द सीक्रेट माय एनर्जी, ओके। तो ये काफ़ी एनर्जेटिक हैं लेकिन ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैसेज है आपके लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे बड़ा फनी सा लगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर है आपके लिए आई फॉल इन लव, ओके। ये पहले भी पाइल में आया था, पहले वाला पाइल जो मैंने रीड किया। ये है कडलिंग विद यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ, तो ये आपको हग करना चाहते हैं, ओके। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं, जब हमारी शादी हमारे बेस्ट फ्रेंड से होती है ना तो वो सबसे अच्छा रहता है। यू आर माई सोलमेट, तो आपको सोलमेट भी मानते हैं, वेरी नाइस। और यहाँ पर है यू नेवर गिव अप ऑन मी, ठीक है ना। तो आपने कभी गिव अप नहीं किया और ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने कहा ना कि बहुत सी इन्होंने ऐसी बातें कही होंगी जो आपको हर्ट हुआ होगा, और बिल्कुल भी मुझे पता है कि याद करके रोना आता है, आई नो, बट रोना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो भाई किस्मत में है ये बंदा आपके, इसलिए बिल्कुल भी नहीं रोना है, परेशान नहीं होना है, जो हुआ उसको भूल जाइएगा, ठीक है ना। पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज यू, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर, वन यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माय लाइफ, तो देखिए कितना प्यारा कार्ड है। तो आपके अलावा ये किसी को चूज नहीं करेंगे, आप ही हो जो हो, ठीक है ना। अगर ये शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, अदरवाइज तो ये करेंगे ही नहीं। मैंने कहा ना काफ़ी ज़िद्दी हैं ये, बहुत ज़िद्दी हैं। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि इनका जो भी ये बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें इनका काम बन जाए तो फिर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं और क्या सॉन्ग्स या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। मैं सारे ही निकाल लूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, कोई मैसेज किसी को मिलता है और कोई किसी को मिलता है, तो हम सारे ही देख लेंगे। और भी हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं भाई। यहाँ पर है अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन एंड पेन इन देयर लाइव्स, तो कन्फ्यूज हैं, पेन में हैं, पेन में तो होंगे। समर, तो हो सकता है गर्मियों में आप लोग मिले हों, या फिर इस जून में ही कुछ हो जाए, बातचीत हो जाए आप लोगों की, हो सकता है। ओ कैमरा हिल गया। और देखते हैं क्या है। सम एक्सटर्नल रीज़न स्टैंड इन द वे ऑफ योर लव रिलेशनशिप, हाँ जी, तो वही है मैंने कहा ही कि यही सारे रीजंस हैं, वरना तो कुछ प्यार में तो कमी नहीं है, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। आई विल बी बैक इन दिसंबर, तो ये अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ये दिसंबर में आपके पास वापस आ जाएं, खुद ही बोल रहे हैं वो। और यहाँ पर है आई कैन फील यू, इसीलिए कार्ड आया था आपके लिए सोलमेट का, ठीक है। और यहाँ पर है मुझे नींद ना आए, तो भाई बहुत मिस करते हैं ये आपको। एंड वाई डोंट यू कम टू मीट मी, तो अगर ये आपको मिलने के लिए बुलाते हैं और अगर आप नहीं जाते हैं, तो वो एक सवाल है इनके दिमाग में कि भाई आप क्यों मिलने नहीं आते मुझसे।
आई एम कमिंग बैक सून, ठीक है? तो दिसंबर इनके अकॉर्डिंग सून है, ठीक है ना? चलेगा चलेगा। और यहाँ पर क्या है, लव्स यू विद पैशन एंड वेटिंग फॉर द सेम फ्रॉम यू। तो काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए और वेट कर रहे हैं कि आप भी उसी तरीके से इनको प्यार करें। आई नीड सम मोर टाइम, हाँ इनको समय चाहिए, दे दो समय, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर माई प्रिंसेस, यस हमें पता है। और यहाँ पर है आई वॉन्ट योर अटेंशन, तो अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना? लग जा गले, तो आया भी था ये, आपको हग करना चाहते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, ये है, ठीक है ना? और देखिए ये सॉन्ग भी वही आपके लिए गा रहे हैं। और यहाँ पर है अब मुझे रात दिन, ये वापस से सॉन्ग आ गया, आई थिंक पहले वाले पैर में भी था, तेरी मेरी प्रेम कहानी, ठीक है? ये सॉन्ग, ये सॉन्ग्स काफ़ी हो सकता है आप लोग गाते रहते हो, भाई मुझे क्या मालूम। फलक तक चल, ओके ये सॉन्ग है आपके लिए, लिरिक्स इनकी सुनिएगा, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिल जाएगा। वनलेस जॉय ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू, हाँ तो ये बात करना चाहते हैं आपसे, इसीलिए वापस आ रहे हैं आपके पास, जो कि बहुत सी बातें इन्होंने छुपा कर रखी। विंटर, दिसंबर भी आया, विंटर भी आया, तो फॉर श्योर अब मीटिंग तो होने वाली है, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया। और यहाँ पर है यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव, हाँ जी पता है हमें। और डू नॉट लीव मी, ठीक है भाई वेट कर लेते हैं, नहीं छोड़ा जाएगा आपको। आई एम बर्डेंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई लाइफ पर्पज, ठीक है? तो वही मैंने कहा था कि ये चाहते हैं अपना पर्पज जो भी इनका उसको फॉलो कर रहे हैं। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, हाँ जी बिल्कुल, आप शादी करेंगे तो पास में ही पाएंगे हमेशा। आई एम हीलिंग, प्लीज़ वेट फॉर मी, ओके। अगला है यहाँ पर, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए ना आपके लिए। आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ, ओके बैलेंस, ये वाला भी बैलेंस चाहिए इनको। और यहाँ पर है लिव विद मी फॉर एवर, ओके। और यहाँ पर है बोल दो ना ज़रा, तो अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आप बोल दीजिए। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस कनेक्शन, सी वही मैंने कहा कि अगर ये अपने कैरियर को लेकर काफ़ी टेंशन में है, परेशानी में है, चाहते हैं कि कुछ ये बन जाए, तब जाकर ये कुछ स्टेप्स वगैरह लेंगे, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि इनका काम बन जाए, क्योंकि इनका बना तो आपका बना, है ना? इनिशियल्स देख लेते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर आया है आपके लिए एन है यहाँ, और यहाँ पर है जी, यहाँ पर है टी और ई, एच है ओ, बी ए सिक्स, समा भी आया था यहाँ पर, और जून भी चल रहा है, तो मे भी हो सकता है बर्थडे हो आप लोगों का, मे भी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है? ये आपके इनिशियल्स हैं, देख लीजिए आप लोग खुद ही देख लीजिए और समझ लीजिए। सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आपकी रीडिंग, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, रेजोनेट करी है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 3 5 ऑफ वांड्स, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए फाइट करेंगे या नहीं, ओके? तो चलिए मैं टैरेट निकालती हूँ, उसे में सबसे पहले देखेंगे हम। ओके
The sun. पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर एंड पेज ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, टेम्परेंस. और यहाँ पर हैं आपके कार्ड्स एट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स. ओके, एनर्जी ओरेकल से भी मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद में आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है इस कलेक्शन में. जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड्स. ओके, ओके, डोर टू वैल्यू एंड ऑल टाइड अप. ओके, यहाँ पर है हमारे पास, हम सारे ही कार्ड्स ऐसे उठा लेते हैं, आपको साइड में लगा देती हूँ. ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज किया है, आई थिंक आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत कम होगा, बातचीत बहुत कम हो रही होगी और आप असंतुष्ट भी हैं इस चीज़ से, ये भी मैं देख पा रही हूँ. लेकिन एक चीज़ मैं और भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. आई थिंक उनका या तो बिजनेस है कोई, या वो जॉब करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफें परेशानी आ गई हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है फैमिली में कोई बीमार हो. वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर. उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या नहीं करें. कहीं ना कहीं वो आपको खुद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, अबंडेंट देखते हैं, और उनको लगता है कि अभी करेंटली अगर वो देखा जाए तो उनको ऐसे लगता है कि अभी इन सारी चीज़ों से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, मुझे काम करना है अपने फाइनेंसेस पर, अपने जॉब, अपने कैरियर पर, उसके बाद आगे चलकर देखना है इस कनेक्शन के बारे में. लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर ये था कि क्या वो अपनी फैमिली से आपके लिए फाइट करेंगे. तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पता नहीं, तीनों ही पाइल्स मेरे रीडिंग में ऐसे आए हैं, किसी में भी ऐसा नहीं आया कि कुछ लड़ाई झगड़ा होगा. काफ़ी समझदार लोग हैं ये लोग और मुझे अच्छा लग रहा है. यहाँ पर भी मैं यही देख पा रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. वो आपके लिए स्टेप्स लेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि ये अगर वो करते हैं ना तो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. मतलब शायद इनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे. मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है ये इनका रिश्ता कहीं तय कर दिया गया हो, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है.
इनकी फैमिली ने कर दिया हो, लेकिन बाद में इनको ऐसे लगा कि नहीं ये नहीं रह सकते, ठीक है ना, उस रिलेशनशिप में ये नहीं रह सकते, जिसके भी साथ इनका एंगेजमेंट किया है, कुछ भी किया है, ये नहीं रह सकते। शादी देखिए आपसे होगी, ये मैं बता दूँ, ये आउटकम कार्ड है, ठीक है ना, शादी आपसे होगी, ये तो है। अब यहाँ पर बात ये है कि किस तरीके से होगी, तो किस तरीके का मैं बताऊँ कि ये लड़ने झगड़ने वाले तो नहीं है, स्ट्रेटजी ये बनाएंगे और अपना काम करेंगे। हो सकता है ये कोई एयर साइन हो, फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन का मुझे ज़्यादा लग रहा है, मे बी ये लिब्रा हो, मुझे बार बार लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड भी आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी आया है यहाँ पर, और ये टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है ये लिब्रा हो या आप लिब्रा हो, या इनके चार्ट में कहीं होगा, होगा ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ वो ऐसी हैं। इनका मानना है फ्लो के साथ चलते जाओ, ठीक है ना, समय जहाँ ले जा रहा है वहाँ चलते जाओ, जाते जाओ और अपनी कोशिशें करते जाओ, ठीक है ना, ये इनकी सोच है। तो इनकी सोच को देखकर मैं कह रही हूँ, इनके जो भी कार्ड्स हैं, जिस जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये कि भले ही इनका सन या मून साइन लिब्रा नहीं है, हो सकता है इनके चार्ट में कहीं होगा ज़रूर, ठीक है ना, इनका सोचना ऐसा है कि जो भी समय दिखाता जाए उसको देखते जाओ, अपनी कोशिश करते जाओ, ठीक है ना, ये सोच है इनकी, और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ इनको जीत मिलेगी। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इनका पूरा फोकस जो है इनके काम पर है, ये अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ये चाहते हैं कुछ बनना, ठीक है, ये चाहते हैं कुछ बनना, और मुझे ऐसे भी लग रहा है, मैंने कहा ना एयर साइन का, तो मुझे लग रहा है एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, या जेमिनी। तो अभी ये पूरी तरीके से अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, इनका आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता रहता होगा, आई एम श्योर, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाकर काम करते हैं। जैसे अभी ये आपसे अगर बात नहीं कर रहे होंगे ना, तो ये अपने पूरा काम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप इन्होंने आपको क्लियर भी नहीं किया होगा कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, और ये कुछ दिनों बाद ना वापस से आ जाएंगे, ठीक है, ये फिर से वापस से आपके पास आ जाएंगे, अभी गए होंगे ना तो वापस से आ जाएंगे, और इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके साथ इनकी शादी होगी, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया है, इनको ये लगता है कि जबकि ये डिसाइड कर लेते हैं ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो चीज़ इनको मिलती है, ठीक है ना, बहुत ही ज़िद्दी हैं, और ये ज़िद्द ऐसी ज़िद्द नहीं है, ये ज़िद्द हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि विश्वास रखो, तो वो मैं बता सकती हूँ कि इनको विश्वास है बहुत ज़्यादा खुद पर और ईश्वर पर भी, इनको लगता है कि इनको जो चाहिए वो इनको मिलेगा, देर से ही मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर, और ये कोशिश करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद जब आप लोगों का कनेक्शन शुरू शुरू में आप लोग मिले होंगे, काफ़ी अट्रैक्शन था, सब कुछ बहुत अच्छा था, और आपको लगा भी होगा कि शायद आप दोनों की शादी हो जाए, इन्होंने कुछ इस तरीके की बातें भी करी होंगी जिससे आपको लगा कि हाँ शायद ही आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, खुलकर नहीं कह रहे कुछ लोगों से खुलकर भी कहा हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मुझे लग रहा है कि खुलकर नहीं कहा होगा, इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की होगी, आपको लगा भी होगा, लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ, ये वापस चले गए और फिर आ गए, ठीक है ना। अब जब ये वापस आए हैं तो शायद ये खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कहीं ना कहीं से कुछ डाउट लग रहा है कि हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो गई हो या कुछ हो गया हो, ये खुलकर आपको नहीं बता रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये तो इन्होंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो किसी और के थ्रू पता चला हो कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, या इनकी फैमिली मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी हो, या हो सकता है आपने रीडिंग करवाई हो, टैरट रीडिंग, उसके थ्रू आपको पता चला हो कि फैमिली इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये फाइट का तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, नहीं वो सब नहीं करेंगे, ये सबको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश अपनी करेंगे, और ये इनको लगता है कि हाँ मान जाएंगे सभी लोग, ठीक है ना, और भाई मान भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पक्के हैं ये, और यहाँ पर सन का कार्ड है, ईश्वर चाहता है कि शादी हो तो हो। अब ये तो देख लो कि मेरी रीडिंग का कि तीनों ही पाइल्स में इतने अच्छे अच्छे आउटकम्स आए हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले से कार्ड्स रख लिए, इसलिए रख लिए क्योंकि खुश करना था, तो मैंने खुद आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, और मैंने बता भी दिया था कि ये आउटकम कार्ड्स हैं, ठीक है ना ये भी मैंने बोल दिया था, क्योंकि ये ना हो कि जो अच्छा कार्ड देखा उसको आउटकम बता दिया,
तो इसलिए जब मैं पहली ही पाइल की रीडिंग कर रही थी तभी मैंने कहा था ये आउटकम कार्ड है, तो दूसरे में भी वही था और फिर तीसरे में भी वही आउटकम ही रहेगा ना। तो आप लोग खुद देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो भाई मैं बता दूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ जी, ये शादी तो ये आपसे करेंगे ज़रूर, आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा ये, ठीक है ना। सोचते रहते हैं आपके बारे में 24 घंटे, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपसे ये ना तो आपसे दूर जाएंगे ना आपको जाने देंगे, ये भी मैं बता दूं। अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई आप वॉक अवे कर लो, तो करने ये आपको भी नहीं देंगे। ये अटका के रखेंगे आपको, ये हैं बहुत ही ज़्यादा चालाक। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। यहाँ पर है क्या है, यू मेक मी स्माइल माई फ्रेंड। तो ठीक है, आप आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा हंसाते हो, या फिर आपकी बातें प्यारी प्यारी जो भी होंगी इनको बहुत अच्छी लगती हैं। ओह कार्ड्स गिर पड़े, इतना सब कुछ कहना है तो बात कर लेनी चाहिए ना सामने से। सारे कार्ड्स इधर उधर हो गए। चलिए अगला देखते हैं। क्या आया है यहाँ पर, दो कार्ड्स आए। पहला है यू आर माई सुपर हीरो, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विथ। ठीक है, तो आप मेल हो फीमेल हो, वैसे जैसे रेजोनेट करे आप ले लीजिए। एंड अगला है यहाँ पर, आई जस्ट वॉन्ट बी योर टेडी बियर। तो ये आपके टेडी बियर बनना चाहते हो, सकता है आप टेडी बियर को लेकर पिक्स वगैरह डालते हो उनको हक करके, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। ओके, ऑल आई वॉन्ट। ओके, तो ये आपको खुश रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। वेरी नाइस, मैंने कहा ना बहुत प्यार है। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ये निकालते हैं। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। ओके, वेरी नाइस। फेवरेट, आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। ठीक है ना, तो आप इनके फेवरेट हो। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर है यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल। तो वही ये फेवरेट का कार्ड भी आया था, तो इनको लगता है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। यू आर माई होम, तो ओके, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? यू आर माई होम बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात कह दी। यू आर जेन्युइन, तो इनको लगता है कि आप बिल्कुल जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो, ऐसा नहीं है कि कुछ कहा और कुछ किया। यहाँ पर है यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। देखिए मैंने अभी बोला कि आप दोनों एक जैसे, उनको लगता है। और देखिए कार्ड भी था यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या है इनकी तरफ से मैसेजेस या सॉन्ग्स। ये इतने मैसेजेस आए हैं मेरे हाथ में, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ रख दिए। यहाँ लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, देखिए फिर से लाइट चली गई। चलिए देखते हैं समर, तो हो सकता है इसी जून तो चल ही रहा है, जून या जुलाई अगस्त में आपसे मिलना हो जाए, बातचीत करनी हो जाए। आई एम हीलिंग, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। हो सकता है आपने वॉक अवे कर लिया हो क्योंकि वॉक अवे का कार्ड आया है, या हो सकता है आपने किसी अपने, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो शायद इन्होंने आपके पास भेजे और आपको पता ही ना हो कि वो इनके फ्रेंड्स हैं, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो इनको देते हैं, मुझे ऐसे लगा। लेकिन मैंने उस वक्त नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर वॉकिंग अवे है, तो क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा ना बहुत ही तेज़ दिमाग है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो ऐसे मुझे लगता है कि शायद ये सामने से आपसे बात ना करते हो लेकिन आपकी खबर तो पूरी रखते हैं।
तो आप देख कर रहिएगा, ठीक है ना? जासूसी वाले काम है ये, तो आप देख लेना, ठीक है? फेक आईडी से हो सकता है किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी हो और आपसे बातचीत करता हो या करती हो, तो ये देख लेना आप लोग। याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको, एंड यहाँ पर है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशन, तो अचानक से कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आई लव यू बट कैन नॉट एक्सेप्ट इट, या और इसीलिए अभी ये वाला कार्ड था आपके लिए, ठीक है ना? ठीक है, नहीं कर सकते हो, करोगे? आ जाओ मेरी तमन्ना, ये सॉन्ग आपको देना चाहते हैं, और क्यों चलती है पवन, हो सकता है ये सॉन्ग आपको पसंद हो या उनको, बोल दो ना ज़रा। और यहाँ पर माई पास्ट इज़ ट्रबलिंग मी, तो मे बी मैंने कहा ना कि जैसे ये पहले आपसे मिले फिर आपको एकदम से छोड़कर चले गए, तो वो चीज़ें भी हैं कि अगर ये आपसे वापस से बात करते हैं तो आप इनसे पूछोगे तो ये क्या कहेंगे, तू जो ना मिला मुझे, देखिए इनको ये नहीं रह सकते आपके बगैर, तू मेरी प्रेम, तेरी मेरी प्रेम कहानी। ओके, अगला है यहाँ पर, आई एम स्टक इन माई लाइफ। हाँ जी, स्टक हैं वो, तभी यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर टावर भी है। सो आई एम एग्जॉस्टेड, बहुत थक चुके हैं परेशानियों से जो भी इनकी लाइफ में चल रही हैं, और ये सब फैमिली से ही जुड़ी हुई हैं, ये भी मैं बता दूँ, उनके बिजनेस या फैमिली से, और बिजनेस में तो कुछ ना कुछ है ही, जो मैंने कहा ही था, आई लव योर आइज, इनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं रेजोनेट कर जाएं। यहाँ पर है आपके लिए बी, यहाँ पर है सिक्स, तो मैंने कहा ही कि हो सकता है इसी जून में आपकी बात हो जाए, बर्थडे हो सकता है आप लोगों का। ओ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ना कि इनको फिक्र है कि अगर आप सवाल पूछोगे तो ये क्या कहेंगे, ये भी एक वजह है, यहाँ पर आ भी गया। वी है यहाँ पर, टी है यहाँ पर, यू एंड पी, एच है यहाँ पर, इनटू, तो ये है इनिशियल्स आपके, तो आप देख लीजिए। सो ये था आपका रीडिंग, जिन्होंने पाइल थ्री चूज़ किया था, आई होप आपको पसंद आई होगी, आई है तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।